कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसानियत की असलियत तो वक्त बताता है। हर एक लिखी हुई बात को हर एक पढ़ने वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला भावनाएं लिखता है और लोग केवल शब्द पढ़ते हैं। चेहरे के रंग देखकर दोस्त ना बनाना दोस्तों। तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। रिश्ते कम बनाइए लेकिन उन्हें दिल से निभाइए, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। कुछ अच्छा या बुरा होने पर जो इंसान सबसे पहले याद आता है वही जिंदगी का सबसे कीमती इंसान होता है। कोई जाति नीच नहीं होती, लेकिन नीच आदमी हर जाति में होता है। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और ना ही आज है। आज की सच्चाई तो यह है कि फेसबुक या व्हाट्सएप पर सैकड़ों दोस्त हैं, पर असल जिंदगी में पड़ोसी से भी बोलचाल बंद है। ब्लड बैंक ही एक ऐसी जगह है जहां पर कोई नहीं पूछता कि खून किस जाति का है। इंसानियत और मानवता सिर्फ वहीं पर नजर आती है। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। जहां इंसानियत जिंदा है वहां मजहब की कोई बात नहीं होती। मेरी खामोशी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और शिकायत में दो लफ्ज कह दूं तो वो चुप जाते हैं। एक सुकून की तलाश में जाने कितनी बेचैनियां पाल ली, और लोग कहते हैं हम बड़े हो गए, हमने जिंदगी संभाल ली। उनसे ही सीखा हमने नज़रअंदाजी का हुनर, और जब उन पर आजमाया तो हुजूर बुरा मान गए। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, अगर दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, पर दुनिया के दर्शन उनके अंदर ही हो जाते हैं। जिंदगी से शिकवा नहीं कि उसने गम का आदि बना दिया, गिला तो उनसे है जिन्होंने रोशनी की उम्मीद दिखा के दिया ही बुझा दिया। दिल से बात करना और दिल रखने के लिए बात करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बूढ़े बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसे नहीं करते। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा, ये दौलतें सब किराएदार है। ये बदलते रहते हैं, मुस्कुराहट, अपनापन और स्वभाव, बस ये ही अपने हैं। इनसे ही हम सब फलते फूलते हैं। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की तो आदत होती है सामने सलाम और पीठ पीछे बदनाम करने की। देर से ही सही मगर कामयाब बनो, क्योंकि वर्षों की मुलाकात के बाद भी लोग खैरियत नहीं मगर हैसियत पूछेंगे। हथेली पर रख कर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। छू गया जब कभी ख्याल तुम्हारा, दिल मेरा देर तक धड़कता रहा। कल जिक्र तुम्हारा छिर गया घर में, और घर देर तक महकता रहा। अनुभव कहता है किसी एक इंसान पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा न करने का सबक सिखाएगा। गलती स्वीकार करने और पाप छोड़ने में कभी देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सफ़र जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही मुश्किल होगी। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नज़र नहीं आती, पर गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नज़र नहीं आती। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, हम दोनों ही लोहे की हथौड़े से पीटते हैं, लेकिन तुम इतना चिल्लाते क्यों हो? लोहा ने कहा, जब अपना ही अपने को घाव देता है तब दर्द ज़्यादा होता है। बड़े प्यार से नज़रअंदाज किया था कुछ लोगों ने मुझे, और अब मेरे हर अंदाज पर नज़र है उनकी। कभी कभी संबंध भी बड़े नाजुक दौर से गुजरते हैं, लोग शब्दों को पकड़कर इंसान को ही छोड़ देते हैं। सच वह दौलत है
जिसे पहले खर्च करो और जिंदगी भर आनंद करो। झूठ वह कर्ज है जिससे क्षणिक सुख पाओ और जिंदगी भर चुकाते रहो। सफाई वहाँ देनी चाहिए जहाँ कोई समझने वाला हो। जिसने हमें गलत मान ही लिया तो हम गलत ही ठीक हैं। भावुक लोग संबंध को संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग संबंध का फायदा उठाते हैं और प्रोफेशनल लोग फायदा देखकर ही संबंध बनाते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। आंखों के पर्दे भी नम हो गए, बातों के सिलसिले भी कम हो गए। पता नहीं गलती किसकी है, वक्त बुरा है या बुरे हम हो गए।